आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 7,000 की कीमत आपकी जिंदगी में क्या होगी? हम में से कुछ लोग इसे एक ही दिन में उड़ा देते हैं और कुछ को महीने लग जाते हैं इसे जुटाने में। मैं भी उनमें से एक था। गांव से शहर आया मुझे कुछ ही दिन हुए थे। मेरी नई कॉलेज में एडमिशन हुई थी, पर मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि डैड बीमार हो गए। इसकी वजह से मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ गया। इन्हें सबसे परेशान होकर ना जाने कहां से मुझे दारू पीने के लिए चल गया। कभी मुझे गुस्सा आता था और कभी सोचता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। कभी कभी कुछ चीजें जिंदगी में हम अपने लिए प्लान करते हैं और कभी कभी जिंदगी हमारे लिए सोचती है। किसी बंद अंधेरे कमरे को और अंधेरा कैसे बनाया जाए? शायद एक काला बल्ब जलाकर। उस दिन मेरी टक्कर एक अनजान आदमी से हुई और उस टक्कर के 1.5 सेकंड के इम्पैक्ट को मुझे भुलाने में ज्यादा टाइम लगा और मैं बगल की गुमटी पे एक सिगरेट लेकर चला गया। जब मैंने सिगरेट लिया तो मैंने जब अपने जेब टटोले तब मुझे पता चला मेरी जेब कट चुकी थी। 1.5 सेकंड की टक्कर का इम्पैक्ट अब मुझे समझ में आया। मैंने सोचा जेब कतरे का पीछा करूं, पर क्या कोई भागते हुए जेब कतरे को जल्दी पकड़ पाया है? 7,000 रुपए जो मैंने अभी अभी अपने एटीएम से निकाला था और उसे मैंने अपने डैड को भेज दिया रखा था, और उस पर्स में एक चिट्ठी थी जो मैंने अपने डैड के लिए रखी थी। सोच रहा था कि लोग ऐसे किसी की चीजें कैसे चुरा लेते हैं, क्या वो नहीं जानते कि पैसे से बढ़कर वो चीज होती है। और वो चिट्ठी वो भी मुझसे खो गई थी। कुछ दिन पहले डैड की चिट्ठी मिली, खोलने से पहले सैम सा गया था, लेकिन चिट्ठी पढ़कर मैं चौंक सा गया था। लिखा था, बेटा तेरे 10,000 का मनी ऑर्डर मुझे मिल गया, तू अपने खाने पीने का ख्याल रखना, आशीर्वाद। लेकिन उसके बाद मुझे एक और पत्र मिला और वो पढ़कर मैं चौंक सा गया। भाई तेरे 7,000 और 3,000 अपने पास से तेरे डैड को मनी ऑर्डर कर दिया। डैड सबके एक जैसे होते हैं ना, वो भी बीमार हुए, तुम्हारा जीव कतरा भाई। मोरल ऑफ दी स्टोरी, इंसान चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना बुरा हो, कैसा भी काम करता हो, पर डैड के लिए सबकी फीलिंग एक जैसी होती है। और शायद उनको डैड की अहमियत ज़्यादा समझ आती है जो अपने डैड से दूर रहते हैं, जैसे कि मैं।